हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websoftutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, व्हाइल लूप का पर्पस भी अदर लूप्स की तरह सेम है। मींस अगर आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रन करना चाहते हैं जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में आप लूप्स यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप्स का सिंटेक्स जो है फॉर लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, व्हाइल लूप में सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। मींस हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स, मैं 1 टू 50 नंबर प्रिंट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे 1 वैल्यू। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं i इक्वल टू, इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं 1। उसके बाद आएगा कंडीशन पार्ट। तो हम उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल कीवर्ड, देन उसके बाद दो आएंगी ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। मींस मैं इसमें प्रिंट करना चाहता हूं 50 तक, तो कंडीशन आएगी तब तक ये कोड रिपीट हो जब तक कि ये लेस देन या इक्वल टू 50 है। तो मैं लिखता हूं आई इज लेस देन और इक्वल टू 50। तो उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे जो भी हम आंसर प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैं करता हूं आई प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स, मैं ब्राउजर में जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं 1 टू 50 इसने प्रिंट कर दिया। तो मैं यहां पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा के सबसे पहले इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं 1 टिल 50। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं। सबसे पहले आया इनिशियलाइजेशन, हमने एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू इनिशियलाइज की, मींस जहां से भी हम लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन रखी कि i तब तक चले जब तक कि ये लेस देन या लेस देन और इक्वल टू 50 है। तो उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया। तो इसने वर्क कैसे किया, सबसे पहले वैल्यू हुई इसकी 1, तो इसने कंडीशन चेक की 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50। मींस ये चेक करे तो आपको पता है 150 से छोटा होता है, मींस लेस देन है 50 से, तो इसलिए इसने इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जो कि वैल्यू हो गई 2 नेक्स्ट टाइम। तो इसने फिर 2 को चेक कंपेयर किया 50 से, मींस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो आपको पता है 2 इज लेस देन 50, तो इसने 2 को प्रिंट कर दिया। तो जब वैल्यू 50 हुई, इसने चेक किया इस 50 इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो आपको पता है 50 इज नॉट लेस देन 50 बट इट इज इक्वल टू 50, मींस ये इक्वल हो गए एक दूसरे के, क्योंकि कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू, मींस दोनों में से कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने 50 प्रिंट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम इसने वैल्यू इंक्रीमेंट की तो वैल्यू हो गई 51। तो अब इसने कंडीशन चेक की i means 51 is less than or equal to 50, तो 51 ना तो 50 के less than है और ना ही equal to है, तो condition ये false हो गई और इसलिए यहाँ से loop से बाहर आ गया और उसने 50 तक print किया। Suppose friends, मैं 50 से 1 तक print करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, means reverse order में। तो friends, उसके लिए सबसे पहले आपको initialize value change करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप start करना चाहते हैं 50 से 50 to 1, तो सबसे पहले आप value change करेंगे 50, initialization value हो गई 50। तो अब मैं यहां पे कंडीशन भी चेंज करूंगा, डॉलर आई मींस ये लूप तक तक चले जब तक कि आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। देन उसके बाद हम यहां पे डिक्रीमेंट करेंगे। तो मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं। सबसे पहले सेमीकोलन भूल गया था मैं लगाना, आप देख सकते हैं 50 टिल 1। तो मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं। सबसे पहले वैल्यू जो इनिशियलाइज हुई वो थी 50, तो इसने चेक किया i या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो i की वैल्यू अभी है 50 जो कि ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने i को प्रिंट किया। तो नेक्स्ट, तो साथ ही में इसने इसको डिक्रीमेंट कर दिया। जब डिक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू हो गई 49। तो इसने फिर चेक किया इस 49 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 49 इज ग्रेटर देन 1, जिससे कि कंडीशन ट्रू हो गई, इसने प्रिंट किया, देन इसने इसको इसके बाद 48 कर दिया। मींस इसी तरह से लूप चलती गई, एंड में हो गया 1। मींस फिर इसने चेक किया आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आई इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 बट इक्वल टू 1, मींस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया लास्ट पे। उसके बाद इसने फिर डिक्रीमेंट किया, और डिक्रीमेंट जब आई को 1 से डिक्रीमेंट किया तो 0 हो गई। अब इसने कंडीशन चेक की आई की वैल्यू है 0, इस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ना तो 0 ग्रेटर देन है 1 के ना इक्वल टू है 1 के,
तो इसलिए कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई, मींस जीरो वन से छोटा है और ना ही इसके इक्वल है, तो दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मींस ना तो ये ग्रेटर देन हुआ वन के, ना ये इक्वल हुआ वन के, जिसके कारण ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप से बाहर आ गया। तो इसने 50 से लेके 1 तक जो भी नंबर्स हैं प्रिंट कर दिए। तो फ्रेंड्स ये था व्हाइल लूप के बारे में। फ्रेंड्स अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।